यहाँ ना कैमरा और मोबाइल बिल्कुल मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको लाइव आरती चल रही है, मैं जो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको, मुझे बहुत सारी स्क्रीन लगी हैं जहाँ पे आरती आपको देखने को मिल जाएगी आराम से, और बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे कितनी सुंदर आरती चल रही है, स्क्रीन पे आपको लाइव आरती देखने को मिलेगी। देखो मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और मैंने यहाँ पे ये प्रसाद लिया है। प्रसाद बहुत ज़्यादा लगता है मुझे क्योंकि बहुत लोगों को देना होता है, तो मैंने ये लड्डू के 4 पैकेट लिए और साथ में पेड़े के लिए 2 पैकेट, और यहाँ पे ये बड़ा जो साईं बाबा का प्रसाद होता है उसका पैकेट लिया है साथ में, और जो शिरनी होती है चिरंजी दाना जो होता है वो फुटाने, ये सारे मिक्स करके फिर बाद में मैं इसका प्रसाद बनाऊँगी। और साथ ही में मैंने यहाँ पे जो बाबा के कपड़े हैं, मेरे यहाँ बाबा की मूर्ति है, तो वो जो मूर्ति है ना उसके कपड़े बहुत पुराने हो गए थे, तो मैंने बाबा के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े ख़रीदे हैं यहाँ पे। ये मैंने आधे दर्जन ख़रीदे हैं, और साथ ही में ना यहाँ पे बाबा की जो मालाएं होती हैं, मेरे घर में ऐसे भी हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ में मालाएँ लगी हैं मंदिर में, तो वो भी मैंने बहुत सारी ली क्योंकि उसके कलर उतर गए थे, तो ये भी मैंने करीबन आधा दर्जन के ऊपर ली हैं। ये मंदिर सजाने में बहुत अच्छे दिखते हैं इससे। और साथ ही में यहाँ पे देखो एक कार्ड है जो मैंने लिया है, यहाँ लिखा है यू लुक टू मी आई लुक टू यू साईं बाबा, ये मैं डोर पे लगाऊंगी कि हम उनका ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा ध्यान ज़रूर रखेंगे। और साथ ही में ना यहाँ पे कुछ मालाएं हैं, ये मालाएं मैं जो है प्रसाद के साथ बांटूंगी, तो ये मैंने बहुत सारी 1 दर्जन के करीब करीब मैंने वो भी ले ली है कि जब प्रसाद जाएगा तो सिर्फ खाली प्रसाद ना जाए, उसके साथ कुछ मालाएं जाएंगी हर एक पैकेट में एक एक ऐसे। तो इस तरह से मेरी प्रसाद की शॉपिंग हो गई है। और यहाँ पे फिर मैं हम लोग आए हैं येवले की चाय पीने, बहुत टेस्टी होती है ये चाय, मेरी तो फेवरेट है, मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पे हम लोग चाय ज़रूर पीते हैं, बहुत टेस्टी चाय होती है येवले की, अमृत तुल्य नाम ही उसका लिखा है, और वाकई में बहुत अमृत तुल्य रही लगती है ये चाय। और उसके बाद और थोड़ी सी शॉपिंग बच गई थी, जैसे कि हमारी चूड़ियाँ, ये वो जो लेडीज़ का हमेशा होता ही है, आपको तो पता ही है कि लेडीज़ लोग चूड़ियाँ कान की बालियाँ इसमें बड़े भीड़े रहते हैं, खासकर मेरी दोनों भाभियाँ उसके लिए अच्छे से भीड़ गई थी, तो इसमें भी काफ़ी टाइम हमारा चला गया। रौनक बड़ी होती है शिरडी के बाज़ारों में, आप देख सकते हैं कितने सुंदर बाज़ार लगते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही शॉपिंग तो करने का ऐसा लगता है कि सारे का सारा ही कर लो, पर उतना पॉसिबल नहीं होता है, तो जितना होता है कर लेते हैं। और यहाँ पे हम आए थे प्रसादालय है ये, यहाँ पे हजारों लोग दिन भर में न जाने कितने लोग आके खाना खाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखिए बाबा के दर पर कोई गरीब अमीर नहीं, यहाँ पे हर कोई बड़ा से बड़ा छोटे से छोटा बैठ के खाना खाता है और हज़ारों की संख्या में खाता है, तो इतने लोगों को फ्री में खाना खिलाना 24 घंटे, ये कोई मजाक की बात नहीं होती है। यहाँ पे खाना खा के हम शिंगनापुर जाने वाले हैं, हमारा सडन से प्लान बन गया है शिंगनापुर जाने का, क्योंकि यहाँ तक आए और शिंगनापुर ना जाए ना तो फिर कुछ गलत हुआ ऐसे लगता है, तो इसलिए हम शिंगनापुर जाने का सोच रहे हैं। तो हमने कि यहाँ पे गाड़ी कर ली है शिंगनापुर के लिए, पर थोड़े से थके हुए हैं इसलिए सब एक दूसरे को चेयर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और थोड़े से लगे हुए हैं चिल करने का, तो धूप भी बहुत है तो थकान थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है, पर आई होप कि सब अच्छे से हो जाएगा। फ्रेंड्स, शनि शिंगनापुर का व्लॉग अगर मैं ऐड करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं शिंगनापुर का एक अलग से व्लॉग बना दूँगी,
तब तक के लिए इस ब्लॉग को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। तब तक के लिए गुड बाय।